प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम 28 में 4 का भाग देना सीखेंगे, यानी 28 डिवाइडेड बाय 4 कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है 28 बाय 4, और ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो दोस्तों, डिवाइड करने के लिए हमें सर्वप्रथम देखना है कि यदि ये एक अंक की संख्या है तो हम इसका एक अंक की संख्या लेकर तुलना करेंगे। हम देखिए किसका डिवाइड कर रहे हैं, उससे ऐसे क्वेश्चन पूछिए तो आपके मन में आंसर आएगा हम चार का डिवाइड कर रहे हैं। तो चार का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब यह एक अंक की संख्या क्या हो, चार से बड़ी या चार के बराबर। यहाँ कितना है, दो, जो क्या है चार से छोटा है, यानी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करें, अगले एक अंक को और शामिल कर लें, तो यह अब आपका दो अंक की संख्या बन चुका है, यानी चार से बड़ा बन गया है। कितना बन गया है, 28। अब देखिए यह हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, चार का पहाड़ा बोलेंगे। चार का पहाड़ा हम कितनी बार बोलें कि हमारा 28 से बड़ा ना आए। तो देखिए, एक चौक चौक, बे चौक आठ, तीन चौक बारह, चार चौक सोलह, पाँच चौक बीस, छः चौक चौबीस, सात चौक 28। सात बार मैं चार का पहाड़ा बोला तो 28 से बड़ा नहीं है, ठीक है, बल्कि 28 खुद ही आ रहा है, ठीक है। जितनी बार पहाड़ा बोलेंगे उतनी बार आपका क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा, यानी आपका भागफल है। क्या आ रहा है, सात बार पहाड़ा बोलने पे 28 आ रहा है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना रहता है, हमें घटाना रहता है। 28 माइनस 28 कितना आ गया, जीरो। यहीं पे हमारा भाग पूर्ण हो जाता है। ये जीरो हमारा क्या है, रिमाइंडर, यानी सेंस फल है। तो 28 बटे 4 बराबर हमें कितना मिल गया, जो भाग फल है ना उसको बराबर में लिखेंगे, कितना, 7। धन्यवाद।